दूर से बेहद खूबसूरत लगने वाली ये हरी भरी वादियां अपने अंदर कई सारी कहानियां छुपाए बैठी हैं। उन कहानियों में से कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिन पर किसी भी इंसान का आसानी से यकीन कर पाना नामुमकिन है, मगर मेरी जिंदगी में मेरा सामना ऐसी कई कहानियों से हुआ जिन्हें मैं कागज के पन्नों पर उतार कर लोगों तक पहुंचाता है। आज मेरा 70वां जन्मदिन है और मैं एक बेहद ही अनोखी कहानी को लिखने जा रहा हूँ। यूँ तो मैंने इसको लिखने का पहले भी कई बार सोचा, मगर ये एक ऐसी आपबीती है जिसे लेकर मुझे हमेशा एक डर सताता रहा कि लोग कभी इस पर यकीन कर पाएंगे या नहीं, मगर आज मैंने ये हिम्मत कर ही दी। वैसे तो मैं सारी जिंदगी घूमता रहा, मगर ये सफर अपने आप में अनोखा था। इसके मुताबिक दुनिया के कुछ राज हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये वो राज हैं जहां विज्ञान और अंधविश्वास दोनों मिल जाते हैं। बात है आज से करीब 40 साल पहले की, जब मैं एक नौजवान हुआ करता था। मेरी राय जानना चाहो तो कुदरत के साथ तो कोई छेड़छाड़ होनी ही नहीं चाहिए। माना इसे सुनने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, हमें इसका हर्जाना तो भुगतना ही होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं, मेरा मतलब है पिछली सदी में हमने बेशुमार ताकत हासिल की है और लगातार ये साबित हुआ है कि हम उस ताकत को संभालने में नाकाम रहे। 40 साल पहले ये किसने सोचा था कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे, पर हमने वो भी किया। पर ज़रा सोचो कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की ताकत अगर हमारे हाथों लग जाती है तो उसे फैलने में कितना वक्त लगेगा और उससे क्या क्या किया जाएगा। इंसान की भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हम 1969 में हैं, आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है और आप ऐसा कह रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ है? मैं बात कर रहा हूँ इंसान के द्वारा बनाई गई उस तबाही की। किस तरह की तबाही? तबाही यानी मौत, जिसका एहसास तभी होता है जब वो आपके नज़दीक हो। डॉक्टर भुवन, ओके डॉक्टर भुवन, अब मुझे चलना होगा। पता नहीं अब कब मुलाकात हो पाएगी। जल्द ही मिलेंगे। कैसे हैं आप? तुमसे मिलकर अच्छा लगा बहादुर। मुझे भी। अच्छा मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्बेंस है। अरे वो थी ना मैडम, वो बस एक अजनबी। समझ गया। तो क्या प्लान है बहादुर? प्लान यहाँ से 500 किलोमीटर ट्रेन से उसके बाद ठीक सुबह 6 बजे भैया धन्नो। धन्नो, अरे मेरी बाइक बाबूजी। तुम्हारा भी था। We'll be right back.
भाई जी मुड़ी रास्ता सीधा मुड़ जान इन अंगने जाके थोड़ा वो हम चाहे हरी घाटी। अबे क्या बोल रहा है, हिंदी समझ आती हिंदी ना भाई जी? हिंदी जान हरी घाटी घाटी हरी घाटी 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 रास्ता जान मुड़ी शम्मा और उमटी रास्ता थोड़ा चंग नहीं। अच्छा अच्छा यार क्या बोल रहा है, मुझे बताने दो। हाँ क्या बोल रहे हैं भाजी? इन बटे रास्ता चमोड़ी सीधे जाना और थोड़ा पैदल जाना ना। अब हम अच्छे हैरी घाटी, ये भाजी बोल रहे हैं हैरी घाटी का चुपन। अरे वो कह रहा है यहाँ से आगे जाओ नीचे जाओ और थोड़ा सा पैदल रास्ता है वहीं से हैरी घाटी आ जाएगी। अरे धन्यवाद भाजी, से बोतल दे दो भाजी। ये पागल है क्या? बोतल चाहिए भाजी? भाजी धन्यवाद। क्या बात है साहब, सब कुछ रखते हो? रखना पड़ता है। पता है हजारों साल पहले ना यहाँ बहुत अजीब तरह के लोग रहते थे, मतलब पर्वत जैसे विशाल का है। अच्छा मजाक है? अब मजाक है सच है झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन दिलचस्प बहुत है। खैर अपनी मंजिल थोड़ी दूर है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। लोग पागल हो जाएंगे। मुझे बहादुर को बताना होगा।
ये बहादुर कहाँ चला गया? अरे सुनो, रुकिए। दरअसल मैं अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, उसने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। क्या आपने उसे देखा है? ऊंची आवाज में मत बोलो, वरना वो सुन लेंगे। सुन लेंगे? कौन सुन लेंगे? तो वो एक पहरेदार है, मगर वो आखिर किस चीज की रखवाली कर रहा है? सालों पहले एक राजा था। वैसे तो राजा की दोनों ही बेटियां बहुत ही सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी को इस बात की जलन थी कि सब उसकी बड़ी बहन को पसंद करते थे, और इसलिए उसने एक दिन अपनी बड़ी बहन पर एक श्राप करवाया। ये विशाल का दान अब भी उसी की देन है। वहां पे कुछ है। वो श्राप की वजह से कई बर्बाद हुए हैं।
ये भी उन्हीं में से एक है। हर सांप की तरह इस सांप का भी एक तोड़ बनाया गया था और तोड़ ये था कि कोई ऐसा इंसान आए जो छोटी राजकुमारी को मारकर उसके आतंक को खत्म कर दे। मगर अफसोस ऐसा कोई आज तक आया ही नहीं। पर क्यों पता नहीं, शायद ऐसा कोई है ही नहीं। तो क्या आप मुझे वहां ले आ सकते हैं? हाँ, मगर क्या तुम में इतनी हिम्मत है? राजा के मरने के बाद मैं वहां नहीं जाता, मगर मैं तुम्हें वहां का रास्ता बता सकता हूं। ऐसा भयानक रास्ता तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ूंगा। कौन हो तुम? हम तुमसे बात कर रहे हैं, बताओ कौन हो तुम? मुझे तो ये गुप्तचर लगता है विद्युत। हाँ, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये एक गुप्तचर है। इसे मार दें या बंदी बना लें? नहीं, अभी इसे मारना उचित नहीं होगा। ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये एक अपराधी है।
हम इसे बंदी बना लेते हैं। चलो। अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है कि हम कौन है? नहीं शक्ति, रहने दो, इसे अभी पता चल जाएगा। अंतिम बार कह रहा हूं, समर्पण कर दो, नहीं तो। राजकुमारी, ये कोई गुप्तचर है। जब हमने इसे बंदी बनाना चाहा, तो इसने शस्त्र उठा लिए। इस पर अपना समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल योद्धा लग रहे हैं डॉक्टर भुवन, बिल्कुल किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं, बिना रुके। घबराइए नहीं, मैं आपके दिमाग में हूं। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं डॉक्टर भुवन, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। कहा था ना, जल्द ही मिलेंगे। अब आगे बढ़िए डॉक्टर भुवन, जागिए, रोकिए उसे, इससे पहले वो सबको मार दे। जागिए डॉक्टर भुवन, डॉक्टर भुवन। कुछ ढूंढ रहे हो दोस्त? ये लो, इसे ही ढूंढ रहे थे ना? क्या बात है, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक हूं, शुक्रिया। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, क्या तुम नए आए हो? मैं यहां नहीं रहता, मैं बहुत दूर से आया। ओह हाँ, वैसे तुम्हारे कपड़ों से तो यही लगता है, अच्छे कपड़े हैं दोस्त। रुको, ये सब मैंने पहले भी देखा है, बस इस तरह से नहीं। क्या देखा? यही कि जब तुम होश में आए तो खुद को एक अलग ही रूप में पाया, एक अलग ही समय में। हाँ, तुम्हें कैसे पता? यह सपना सभी को आता है, ये कोई आम सपना नहीं है। ये सपना हमें हमारे भूतकाल से भविष्य तक की सारी बातें बता देता। भूत और भविष्य, ऐसा ही कुछ था। एक बहुत खूबसूरत औरत जिसने तुम्हारे दिमाग में झांका होगा। हाँ, पर क्या मतलब है सबका? वो एक जादूगरनी है, वो वास्तव में कहीं नहीं है, मगर सपने में उसका जिक्र तुम्हें कई लोगों से मिल जाएगा। क्या वो कोई शापित है? नहीं, वो एक देवी है। शापित तो विकृत होते हैं जैसे दानव।
इस सांप के बारे में बहुत सुना है, हालांकि मुझे खुलकर कभी नहीं बताया गया। पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है वैसे। हाँ, मैं सुनना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, जब ये दुनिया एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ बहुत ही सीधा साधा और सुहाना था। इसी दुनिया का एक वासी था वो नौजवान। इस शांति और सुकून की जिंदगी के साथ वो बहुत खुश रहा करता था। इस गांव से थोड़ी ही दूर था एक राजमहल जो उसे अक्सर आकर्षित करता रहता था। एक दिन उस लड़के ने राजमहल को करीब से देखने का फैसला किया। महल में राजा, उसकी पत्नी और दो बेटियां रहती थी। दोनों ही आम लड़कियों से काफी अलग थीं। ऊंची कदकाठी और सुंदरता के साथ वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली थीं। पहली बार उनकी भेंट एक आम इंसान से हुई जिसे देखकर वो बहुत उत्सुक थी। लड़का भी आकर्षित होकर आगे बढ़ता ही चला गया। सबसे पहले वो छोटी राजकुमारी से मिला। फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बड़ी राजकुमारी को देखने के बाद उसका ध्यान छोटी राजकुमारी से पूरी तरह हट गया। छोटी राजकुमारी ये अपमान सह नहीं पाई और जलन की आग में सब कुछ छोड़कर चली गई। वो भागती हुई धुंधले पहाड़ों के नीचे गहरे जंगल में चली गई। रोते बिलखते वो बिना किसी मंजिल के भटकती रही। उसके मन में बस एक ही बात बार बार घूमती थी और वो थी अपने अपमान का प्रतिशोध, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। फिर एक जगह उसकी भेंट एक अजीब से प्राणी से हुई। वो एक ऐसा चेहरा था जो उसने कभी अपनी कल्पनाओं में भी नहीं देखा था। वो एक काला जादूगर था जिसकी काली विद्या बहुत ही शक्तिशाली थी। छोटी राजकुमारी ने उसके साथ हाथ मिला लिया और उसके बाद एक बहुत ही शक्तिशाली शाप करवाया।
कुछ ही समय बाद शाप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उस शाप के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी राजकुमारी से आकर्षित होकर उसके समीप जाएगा तो वो एक विकृत बन जाएगा और उस पर छोटी राजकुमारी का काबू हो जाएगा। लड़के पर शाप का असर बढ़ता गया, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। कुछ समय बाद वो किसी जानवर जैसा बर्ताव करने लगा और जंगल जंगल भटकने लगा। भटकते भटकते वो एक बहुत ही भयानक और अंधेरी गुफा की ओर बढ़ गया। उस गुफा को उसने अपना घर बना लिया। सालों साल वो उस गुफा में रहा पर अपने गांव कभी ना लौटा। कहते हैं उस शाप का सिर्फ एक तोड़ है, एक ऐसा इंसान जो छोटी राजकुमारी को हराकर उसे मार डाले। मगर अफसोस, ऐसा कोई भी इंसान आज तक नहीं आया। सोच भी नहीं सकते मैंने क्या क्या देखा। जानता हूँ वो इतना बड़ा। चलो आदमी, अभी आगे लंबा सफर है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। पर तुम सही थे बहादुर, यहाँ सच में बहुत सारे राज हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ हमें इस जगह ही नहीं चुननी चाहिए थी। हमने इस जगह को नहीं, इस जगह ने हमको चुना है बहादुर। अरे डॉक्टर साहब, पहली बड़ी फटी पड़ी है, और मत फाड़ो यार, मुझे तो बस जल्दी से घर जाना है। आगे का सफर हम सुबह शुरू करेंगे। शायद मैं रास्ता भूल रहा हूं, दिमाग काम नहीं कर रहा। शायद आपको भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, मगर खाएंगे क्या? बहादुर के होते हुए जंगल में किस बात का डर? खाने की बहुत सारी चीजें, बस चीजों की समझ होनी चाहिए। जंगल का अनुभव है अब जैसे ये। इसको आप वेज रोल संभल के भी खा सकते हो।
बिल्कुल हेल्दी। देखा कहा था ना बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। शायद हमारे पास वेज रोल के अलावा भी एक ऑप्शन है। आज तो दावत हो गई। पहाड़ों के बीच से क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। देखो हो सकता है रास्ते में तुम्हें कई अजीब सी चीज़ें मिली, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, वरना इस तरह तो ये सफ़र ही पूरा नहीं हो पाएगा। बहादुर बताओ तुमने क्या देखा? आओ चलो
यहाँ कोई है, हमें छुपना होगा। तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। नहीं भुवन, मैं उसे रोक सकता था, मगर तब जब मैंने उसकी मदद की थी, मगर अब मैं कमजोर हो गया हूं। कह रहा था डॉक्टर, हमें अपने घर चले जाना चाहिए, ये हमारी दुनिया नहीं है। और वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर जा सकते हैं, चैन और सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, कम से कम वहां तो सब कुछ अच्छा है ना। ये एक बीमारी है बहादुर, ये और फैलेगी, और जब ये बढ़ेगी तो ये हमारी दुनिया में पहुंच जाएगी।
आपको पता है मेरी 5 साल की बेटी है। मैं ये सफ़र उसके लिए पूरा करूँगा। वो मुझे अपना हीरो मानती है। उसे सारी कहानी सुनाऊँगा और उसे बताऊँगा कि कैसे उसके पापा ने उस चुड़ैल को मजा चखाया। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा, आप किसके हीरो हैं? मेरी पत्नी मुझे हमेशा से ऐसी जादुई कहानियाँ सुनाई करती थी। अरे वाह, वो तो बहुत खुश होगी। वो बहुत खुश होती होती ओह सॉरी बहुत प्यार करती थी वो आपसे? बहुत से भी ज्यादा। मेरी नहीं करती।
servant mort. जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। मेरे बेहोश होने के बाद उस रात वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उस रात के बाद ना तो किसी ने बड़ी राजकुमारी का नाम सुना, ना छोटी राजकुमारी का, और ना ही किसी जादूगर का। लगातार 2 दिन ढूंढने के बाद मुझे अपना साथी बहादुर मिला और ये पता लगा कि वो अपनी याददाश्त भूल चुका है और जो कुछ मुझे पता था उस पर कभी किसी ने यकीन ही नहीं किया। मगर जैसा कि कहा जाता है कि सच्चाई को अगर कागज़ पे लिख दो या किसी को सुना दो तो वो सच्चाई नहीं रहती, एक कहानी बन जाती है। और यही थी मेरी वो अनोखी कहानी, मेरी जुबानी।